दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यह वीडियो आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पटोरी के पैक्स अध्यक्ष न्यू वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभु प्रसाद राय जी को कुछ अज्ञात आदमियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लोग यहां पर सरकार के द्वारा पूरी तरह से अपराध कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि शंभु प्रसाद राय जी, देख सकते हैं आप तस्वीर, देख सकते हैं मेरे पीछे जो बगल में लगा हुआ है वही है शंभु प्रसाद राय जी। काफी एक्टिव थे, बताया जा रहा है कि वह जदयू के एक नेता भी थे, जदयू के कार्यकर्ता पटोरी प्रखंड के थे, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं। और पैक्स अध्यक्ष थे वो न्यू वर्तमान, उनको पटोरी में, पटोरी अनुमंडल है उसमें, वहां पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि कुछ अज्ञात अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष पटोरी के न्यू वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं शंभु प्रसाद राय जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कल यानी कि 28 जनवरी को पूरा भारत बंद है, उसमें आरजेडी ने भी बिहार में अपने छात्र विंग को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है और आरजेडी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है। लेकिन आरजेडी आंदोलन में कूदी है तो सवाल यहां पर खड़ा यह हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी है जो वही आरजेडी है जब नालंदा में शराब बरामद हुआ था, शराब, जहरीली शराब से 10 से ऊपर व्यक्तियों की मौत हो गई थी, तो एक शब्द भी वहां पर आरजेडी ने नहीं बोला था। तो किसके खिलाफ यहां पर आरजेडी खड़ी है? बीजेपी के खिलाफ। यानी कि कहीं तो खिचड़ी बनक पकड़ रही है जदयू और आरजेडी के बीच में। यह भी दिलचस्प है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर सूत्रों के हिसाब से यह जानकारी मिल रही है कि जदयू बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, कभी भी जदयू बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शंभु प्रसाद राय जो पैक्स अध्यक्ष से पटोरी के, उनको गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है। हमारे साथ बने रहे, आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आर्यन आशीष के नाम से ट्विटर अकाउंट है या News4ABP के नाम से भी आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी News4ABP करके, एबीबी न्यूज या News4ABP करके सर्च कर सकते हैं, वहां पर ही पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।